नमस्कार, मैं हूँ दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है खबर के परे। चीन ने अपने इतिहास में पहली बार मंकी बी वायरस से मौत की सूचना दी है। बीजिंग में एक पशु चिकित्सालय को मार्च में बंदरों ने संक्रमित किया था और 27 मई को उसकी मृत्यु हो गई। मंकी बी वायरस, जिसे हर्पीस बी वायरस के नाम से भी जाना जाता है, वहीं इसकी मृत्यु दर 70 से 80% है। जैसा कि चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की अंग्रेजी पत्रिका चाइना CDC वीकली ने अपनी 17 जुलाई की रिपोर्ट में उद्धृत किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मृतक के करीबी संपर्कों का अप्रैल में परीक्षण किया गया और वे सभी वायरस से मुक्त पाए गए। USCDC के अनुसार संक्रमित मकाक बंदर द्वारा काटे जाने या खरोचने पर या मकाक की आंखों, नाक या मुंह के संपर्क में आने पर मनुष्य आमतौर पर बीवी से संक्रमित हो जाते हैं। CDC ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इतिहास में बीवी मानव से मानव संचरण का केवल एक ही मामला दर्ज किया गया है। मृतक पशु चिकित्सक 53 वर्ष के थे। उन्होंने बीजिंग में एक गैर मानव प्राइवेट प्रजनन और प्रौद्योगिक संस्थान के लिए काम किया। 4 और 6 मार्च को पशु चिकित्सक ने 2 मरे हुए बंदरों को काटा। रिपोर्ट के अनुसार विच्छेदन के 1 महीने बाद पशु चिकित्सक ने मतली और उल्टी का अनुभव किया, जिसके बाद न्यूरोलॉजिकल लक्षणों के साथ उन्हें बुखार आया। क्योंकि बीजिंग में डॉक्टरों को बीवी संक्रमण का कोई अनुभव नहीं था, पशु चिकित्सक को इलाज के लिए कई अस्पतालों का दौरा करने के लिए कहा गया था, लेकिन 17 अप्रैल तक निदान नहीं किया गया था। जब डॉक्टरों ने बंदर के परीक्षण के लिए उसके मस्तिष्क मेरुद्रव और उसके 2 सहकर्मियों के तरल पदार्थ एकत्रित किए थे, परिणामों से पता चला कि पशु चिकित्सक बीवी से संक्रमित था। चीन CDC और कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के एक समूह ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब है कि बंदरों में बीवी व्यावसायिक श्रमिकों के लिए संभावित जेनेटिक खतरा पैदा कर सकता है। 1932 में पहले मानव संक्रमण की पहचान की गई थी और तब से मनुष्यों में संचरण के केवल 50 मामले सामने आए हैं। इनमें से ज़्यादातर बंदरों के संपर्क में आए थे और 21 की मौत हो गई थी। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।